मिलन किया। अंदमान निकोबार की बात है, वहां एक जेल हुआ करती थी सेलुलर जेल, जिसके 6 फलक थे, 5 तोड़ दिए गए, लेकिन एक अभी बना बचा हुआ है जो नेशनल मेमोरियल है। उस फलक में वहां शाम को सामने लाइट प्रोग्राम होता है, कैदियों को जो दिन में काम करने को दिया जाता था, वहां मशक्कत कैद होती थी काला पानी, उसमें उनको 5 किलो जो नारियल के जटा होते थे उनकी रस्सी बनानी पड़ती थी एक दिन। और समझिए कि उसको आप लोगों ने तो कभी रस्सी बनाई नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, नायलॉन पार्टी, हम लोग सन को कूटे हुए हैं और रस्सी भी बनाए हुए, गर्मी की छुट्टी में सब यही काम ना होता था गांव में, मदद करते थे। तो नारियल से मिलता जुलता जो है घाट की जड़ होती है, हम लोग यहाँ पकौड़े बोलते हैं, उसकी रस्सी बनती है, उसको कूट कर नहीं देखी है, नहीं देखी पाकिस्तान नहीं, वो सनई सनई अब देखने को नहीं मिलेगी, सनई मिलेगी घाट का नहीं मिलेगा, पलाश का जो जगड़ी तो है ना जड़, उसका नहीं मिलता, और पलाश नहीं मिलता तो बड़ा मेहनत लगता है उसे बनाने में। तो और उस 5 किलो नारियल का जो गिरी है उसको पीस करके उसका तेल निकाल, और 5 किलो अनाज पीसना, वो जो चक्की थी, हमने चक्की देखी है, हर आदमी को पोर्ट ब्लेयर की उस सेलुलर जेल की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, वो इस देश का सबसे बड़ा तीर्थ, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, वहां जाकर के मुझे पता चला, और मतलब वहां का स्मरण करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतनी पुरानी बात है। ऐसा तो देश का जज्बा भरता है वो जगह, जो चक्की होती थी सेल में, सेल में आप लेट नहीं सकते थे, जो जेल के सेल थे, आप ऐसे खड़े हैं, खड़े नहीं कि आप कुरू बैठिए, सामने चक्की है पूरी खड़ी चक्की, ऐसा नहीं कि आप चक्की में पसर नहीं सकते, खड़ी है, खड़े होकर के ऐसे पीछे। अब इतना काम एक दिन में कौन कर सकता है, लिहाजा लोगों ने भूख हड़ताल की कि नहीं साहब ये असंभव कार्य है, नहीं करते ना तो मार पड़ते। तो जेल के सारे कैदियों को एक लाइन वहां खड़ा किया, वहां कंपाउंड में एक रैंडम बीच से एक कैदी को पकड़ के लाते थे, चौकी जो होती है ना, चौकी जानते हैं, पुराने जमाने बड़ी तगड़ी चौकी होती थी, आदमी भी तगड़े होते, उस चौकी के नीचे उसको लेटा देते, दो पाए दोनों हाथों पर और दो पाए दोनों पैरों पर ऐसे फैला देती थी, ऊपर 4 सिपाही बैठ जाते चौकी पर, और फिर कहते थे अच्छा खाएगा कि नहीं खाएगा, वो बोलता था नहीं, वो बोलता था इनकलाब जिंदाबाद, ये जवाब देता था, और सारे कैदी बोलते थे इनकलाब जिंदाबाद, जो भी भाई ने इनकलाब की बात की, मैं आपको उस इनकलाब से जोड़ना चाहता हूँ कि इनकलाब मामूली चीज नहीं है, साधारण नारा नहीं है, उसी इनकलाब से आजादी आई, वो बोलते थे इनकलाब जिंदाबाद। कभी क्या ये क्या करते थे कि भोजन का निवाला लेकर के उसके ऐसे मुंह में डाल के, बांस का जो डंडा होता है ना, उस डंडे को ऐसे मुंह में करके यूं ठू, उसके गले की नस टूट जाती थी, मर जाती इमीडिएट, उसके बाद उसको डंगा डोली करके पकड़ के ऐसे हिलाते हुए, बगल में समुंदर है, समुंदर में जाके फेंक दे। फिर लोगों से पूछे खाओगे कि नहीं खाओगे, सारे लोग बोलते थे इनकलाब जिंदाबाद। फिर एक आदमी बीच से पकड़ के लाया, एक एक करके 7 आदमी
और समंदर में भी तो इत्तेफाक है कि सातों हाथी बलिया जिले के उसी के आसपास बहुत बड़ा काम और उसमें मेरे जिले के भी एक आदमी वहां रह रहे थे उनको फांसी की सजा हुई थी बाद में सजा पूरी हुई पंडित परमानंद उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला वो जापान गए थे वहां से बम बनाना सीख किया थे गदर पार्टी के बहुत बड़े वो थे मैं जब दर्जा 7 में था तब उनके दर्शन का सौभाग्य मिला और जिस बाल सभा को मैंने प्रेसाइड किया उसमें वो प्रेजेंट मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी सभा थी उससे बड़ी सभा इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकती देश के किसी प्रधानमंत्री किसी रहनुमा किसी राष्ट्रपति को वो सभा नसीब नहीं हो सकती उसी सभा का जज्बा था कि आपके सामने जो बंदा खड़ा अपने सेवा काल में झुका नहीं उन लोगों का आशीर्वाद इसलिए मैं एक कहानी सुना रहा हूं कि आज ये कहानी सुनानी जरूरी है कैसे आजादी आई तो सातों लोगों को उन्होंने कहा खाओगे कि नहीं खाओगे कहा इनकलाब जिंदा सरकार को झुकना पड़ा वो देखिए क्या उनको ये उम्मीद थी किसी दिन ये देश आजाद हो जाएगा और हम यहाँ के बैंक लूटेंगे यहाँ रिश्वत खोरी करेंगे और कहेंगे नहीं साहब हमको किसी तरह से भाई व्हाटएवर मीन सत्ता में आना है सत्ता की इस तरह सेवा करेंगे सत्ता किसके लिए खुद की पूजा करने के लिए देश जाए भाड़ में वो हमको हमको अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के ऊपर उठना पड़ेगा और हमें दुष्ट को दुष्ट कहना पड़ेगा हम क्यों हाथ मिलाते हैं दुष्ट से अब हम आपको आपका एजेंडा बता दें अगर कोई भ्रष्ट है भ्रष्ट मंत्री अफसर है सभा होती है अब्बल तो उसकी सभा में आप क्यों जाते हैं राज्य को हमने अपना कंसेंट दिया है सब हमारे ऊपर वो शासन करे इसका कंसेंट इम्प्लिसिट कंसेंट है तो माना जाता है कि हमने शासन करने की स्वीकृति दी वोट भी वहीं से स्वीकृति है हम उस स्वीकृति को विड्रॉ करें और हम अगर जाते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम उसका सम्मान नहीं करते हम खड़े नहीं होंगे अगर करप्ट आदमी कितने भी बड़े पद पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एनी बड़ी दूसरे वर्ग पब्लिक एरी डोंट गेट अप खड़ा नहीं होना कॉग्निटिव ऑफेंस नहीं है कोई दरोगा आपका कुछ नहीं कर सकता और मैं बता देता हूं इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इतना बड़ा आप इमेजिन कीजिए कि बंदा पहुंच रहा है ना तालियां बज रही है ना कोई खड़ा हो रहा है आप बन जाइए 15-20 का ग्रुप बना के आगे बैठिए और डोंट स्पीक अगर बाकी सारे बंदे खड़े भी हो जाते हैं तब उसको वो नहीं दिखाई देंगे जो खड़े हो गए उसको बैठे हुए दिखाई देंगे और जितने कम बैठे हुए दिखाई देंगे उतनी ही मारक क्षमता बढ़ जाएगी एटम बम ढेर नहीं होते एक काफी है एक आदमी बैठा दिखाई देगा एकदम कंट्रास्ट हो जाएगा क्यों बैठा एक बार पंडित नेहरू इलाहाबाद आए सीनेट हॉल में वहां बुद्धिजीवी लोग बैठे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला कभी आपने नाम सुना भी होगा कभी वो भी विराजे हुए थे अगली पंक्ति में पंडित जी आए सब लोग खड़े हो गए पर्चे दे रहे थे निराला खड़े नहीं हुए तो पंडित जी जब उनके पास आए उन्होंने पूछा पंडित अमरनाथ झा उन दोनों वाइस चांसलर इनका परिचय निराला जी के बारे में निराला जी बोले
इस देश का दुर्भाग्य है कि इसे एक अनपढ़ प्रधानमंत्री मिल गया। देश की कमी को नहीं जानता। और उन दिनों ये लोग पंडित जी हुए या इंदिरा जी हुई, ये लोग आउट ऑफ वे जाते थे, इंटेलेक्चुअल से मिलते थे। कई ऐसी मुलाकातें हैं इंदिरा जी के समय में, खासकर जब जिद्दू कृष्णमूर्ति फिलोसफर से विनोबा, लोग जाते थे, संतों से मिलते थे, उनसे मिलते, उनके साथ घंटों बिताते थे और वहां से रिचार्ज होकर लौटते। हमारे आज के नेता फील्ड में जाते हैं तो क्रिमिनल के घर पर रात में विश्राम करते और हम उनकी आरती उतारने को तैयार रहते हैं, हम उनके लिए फूल मालाएं फूल बर्बाद करते हैं। अरे बगीचे में रहने दो उन फूलों को। तो एक आप अपनी स्वीकृति विड्रॉ कर, अगर गलती से आप से हाथ मिला ले कोई भ्रष्ट आदमी तो तत्काल कृपा करके हाथ दिखेगा कि आपने अपनी अस्वीकृति की। अस्वीकार कीजिए, स्वीकार मत कीजिए। फिर अपने शादी राह में उन गधों को क्यों बुलाते हो भाई? शादी का बिल्कुल निजी अफेयर है, अपने नाते रिश्तेदार करीबी लोगों को बुलाइए। होता ऐसा है कि साथ शादी राह में अपने बहुत करीबी आदमी हैं, वो बैठे मुंह बाहर बैठे रहते हैं और आप साथ के लगवाने में लगे रहते हैं, उनके सामने खड़े हुए नतमस्तक। वाई कौन कहता है कि देश आजाद होगी? ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है 1947 में, देश आजाद नहीं हुआ।